हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल पर। गाइस, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अपनी अटेंडेंस लाइक बटन दबाकर दे दीजिए। ए वेरी गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग टू एवरीवन। पंकज, कैसे हैं आप? बच्चे जरा सेशन को शेयर कर दो, ठीक है? तो आज थंबनेल में आपने देख लिया, तो थंबनेल में आज का टॉपिक क्या क्या आपके प्रॉपर्टीज होती हैं रिलेस की, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? सारी की सारी और सबसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद रिलेस, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। रिलेस का क्लासिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा और टाइम ऑपरेशन पर जितने टाइप के रिलेस होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। पीएसएम क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं गाइस। ओके, तो आई होप, उम्मीद करता हूं आप सेशन में मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। अगर आप जेईई गेट एससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़कर कर सकते हैं। यहां पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको मिलेंगे। करना कुछ नहीं है, बस आपको राहुल 11 कोड अप्लाई करना है और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ना है। 10% डिस्काउंट तो मिलेगा, साथ के साथ मेरे एक्सपीरियंस का आप एडवांटेज लोगे। मैं आपको गाइड करूंगा, मेरी पूरी पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप आपको मिलेगी। हमारी टीम ने मिशन फिफ्थ सेमेस्टर लॉन्च किया है गेट की कैटेगरी के अंदर, जहां पर अंकित सर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 24th of September, यानी आज से स्टार्ट कर चुके हैं हम पावर जनरेशन का कोर्स। तो पावर सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट मेरे थ्रू स्टार्ट किया जा रहा है, तो राहुल 11 कोड के साथ आप इसके अंदर भी एनरोल हो सकते हैं। आप सबके कहने पर हमने एक्सेल बैच लॉन्च किया था AEJEE, जो स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। बच्चे, ये कोर्स 5 सितंबर से लॉन्च हो चुका है SSC की कैटेगरी के अंदर, तो राहुल 11 कोड अप्लाई करके आप इसके अंदर भी एनरोल्ड हो सकते हैं। ये रहा कोर्स, तो यहां पर आप जाइए, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिलेगा नेटवर्क एनालिसिस का, साथ के साथ मेरी पूरी टीम, जहां केमिंदर सर मिलेंगे आपको, अनुराग सर मिलेंगे, राठौड़ सर मिलेंगे। तो यहां पर आपका मैनेज करना होगा गोल सब्सक्रिप्शन के लिए, SSC एग्जाम को सिलेक्ट करें, फिर गेट सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करें, उसके बाद सब्सक्रिप्शन 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ, जो भी आपको लेना है अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। राहुल 11 कोड अप्लाई करने पर 1 ईयर का कोर्स आपको 5400 का पड़ेगा, सभी पर आपको 10% की छूट मिलेगी। सो गाइस, लाइव क्लासेस, इंग्लिश डाउट क्लियरिंग सेशन, क्रैश कोर्स, ये सभी एडवांटेजेस हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन के। देखिए, यूट्यूब में कभी कभी आपने देखा होगा स्टूडेंट काफी रिलेवेंट क्वेश्चंस भी आस्क करते हैं, तो जिससे सेशन काफी बार अटकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जो है, यहां बहुत ही वेल मैनर्ड में आपकी स्टडी है और सबसे अच्छा डाउट सेशन आपके साथ होगा। तो ठीक है गाइस, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर लो प्रेस, इस वीडियो को कर दो शेयर। और एक इंपॉर्टेंट बात, पल्लव सर आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं रात 8:30 बजे, ठीक है, 8:30 पर टुडे SSC JEE रिवीजन छप्पड़ फाड़ के, ठीक है? ये वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे, आप इनके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ अपने रिवीजन में हेल्प ले सकते हैं। तो रात 8:30 बजे आप लाइव आकर पल्लव सर को देख सकते हैं। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी, कैसे हैं? गुड इवनिंग। अब मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूं 3-4। क्या कह रहे हैं बच्चे? सर, अर्थिंग है अपकमिंग क्लास में होगा। अर्थिंग मैं करवा चुका हूं यूटिलाइजेशन में, प्रॉपर अर्थिंग आपको कंप्लीट करा चुका हूं फॉर जेई लेवल ऑफ एग्जाम। गुड इवनिंग गाइस, कैसे आप सभी? तो क्या आप सभी तैयार हो गाइस? एक बार सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। प्रोटेक्टिव रिलेश स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था सीटी का, अगर सीटी फॉल्ट होता है तो वहां पर करंट का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे प्लंगर नीचे की तरफ आएगा, सर्किट क्लोज होगा और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, तो रिले एक्ट करता है एज एन ब्रेन फॉर सर्किट ब्रेकर, ठीक है? उसके बाद मैंने प्रोटेक्टिव रिलेस के बारे में डिस्कस किया था कि ये फॉल्ट होने से नहीं बचा सकते, एक्सेप्शन इसमें बुक होल्स रिले का है, ठीक है? रीजन फॉर फेलियर ऑफ प्राइमरी प्रोटेक्शन, ये भी मैंने आपको बताया था। बच्चे, मैं टेलीग्राम चैनल यहां पर शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, अनअकैडमी SSC JEE चैनल अपना नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेस।
और प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन से सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ, सारे के सारे आप बताओ, यस यस इट इज इनफ, ठीक है, प्रोटेक्टिव रिले, चलिए। सो माय डियर, प्रोटेक्टिव रिले के अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन सी एक्चुएटिंग क्वांटिटीज होती है, भाई रिलेज का काम क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन को क्या करना, सेंस करना। अगर मैं आपसे पूछूं रिले प्रोटेक्टिव रिलेज की एक्चुएटिंग क्वांटिटी क्या होती है, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? बच्चे देखो, मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस। मतलब एक रिले जो होता है आपका वो इन सारी चीजों को क्या करता है, इन सारी की सारी चीजों को सेंस करता है अपने एक्चुएट होने के लिए। यानी अगर उसने मैग्नीट्यूड चेक करा वी और आई का और उसने देखा कि मेरी प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू से वैल्यू ज्यादा या कम है, रिले विल एक्टिवेट। फ्रीक्वेंसी को चेक करा उसने, प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू से ज्यादा है कम है, इट विल एक्टिवेट। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज वोल्टेज एंड करंट करंट के बीच में चेक करा तो उसने देखा कि अगर ये प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू से कम या ज्यादा है, रिले विल एक्चुएट। सो माय पॉइंट इज दैट रिले के लिए एक्चुएटिंग क्वांटिटीज होती है मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपके लिए वो क्या है कि देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वोल्टेज और करंट को ही सेंस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं एक रिले जो होती है वो लाइट से भी ऑपरेट हो सकती है, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर। जल्दी बताओ, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, ये सारे के सारे इसके क्या है, हमारे जो एक्चुएटिंग क्वांटिटीज के फैक्टर्स है वो सारे के सारे हैं आपका रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस। तो गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ इट, ठीक है, अपने माइंड में याद रखना। देखो भाई, किसी भी चीज को स्टार्ट होने के लिए एक एक्चुएटिंग क्वांटिटीज चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें कंपेयर करके एक रिले क्या होती है, ऑपरेट होती है। आगे चलते तो माय डियर अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। बच्चे कौन कौन सी होती हैं, जिन बच्चों को प्लस पर पढ़ा चुका हूं वो रिवाइज करो मेरे साथ, ठीक है। सबसे पहला कौन सा पॉइंट होता है सर, सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है माय डियर, सेलेक्टिविटी का मतलब होता है सिलेक्शन। मान लो आप क्या कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि पावर सिस्टम का कौन सा पार्ट ट्रबल में, कौन सा पार्ट है जिसके अंदर फॉल्ट हो रहा है, कौन सा पार्ट है जिसके अंदर क्या है अभी फॉल्ट की कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो ये जो सेलेक्टिविटी है सबसे पहली चीज होती है सेलेक्टिविटी, यानी सेलेक्ट करना, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम, पार्ट ऑफ पावर सिस्टम इन ट्रबल। क्या हुआ बच्चों यार, हैं, मैंने देखा है आप सब एकदम से जोश में आते हो पढ़ने, लेकिन आप अपने जो जोश को है ना मेंटेन नहीं रख पाते। क्या बात है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट हो तो पूछ सकता है, वेरी गुड। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी होगी, स्पीड। चलो बताओ स्पीड कैसी होनी चाहिए, स्पीड कैसा होना चाहिए, ठीक है, स्पीड ऑफ रिले मस्ट बी, मस्ट बी कैसा होना चाहिए, सफिशियंट, 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 ठीक है, हाई। देखो एक बात बता देता हूं, स्पीड, स्पीड में एक फंडामेंटल याद रखना, ना तो स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, लो नहीं होनी चाहिए, ज्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी सफिशियंट सो दैट इट विल क्विकली ओपन द सर्किट ब्रेकर, ठीक है, हाई एज मच एज हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो रिले का जो एक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रिले एक्शन मस्ट बी फास्टर,
ठीक है, ये गलती कभी मत करिएगा। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, आंसर दे देते हैं सर बहुत फास्ट होना चाहिए। नो, फास्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, सफिशियंटली स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। कि नाउ कम टू द मेन पॉइंट, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी होना चाहिए। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है, इजिली टू ऑपरेट, आसानी से ऑपरेट हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इजिली टू ऑपरेट, एंड नॉट रिक्वायर्ड मेंटेनेंस, नॉट रिक्वायर्ड मेंटेनेंस, ठीक है। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है कि जो प्रक्रिया है रिले के ऑपरेट होने की, वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, आसानी से ऑपरेट हो जाए फॉल्ट को सेंस करते ही, ठीक है। ज्यादा मेंटेनेंस भी ना मांगे रिले, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, सिस्टम की रिलायबिलिटी खो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, रिलायबिलिटी। सो गाइस, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि आप भरोसा कर सकें एक रिले के ऊपर, एक रिले के ऊपर क्या कर सकें, भरोसा कर सकें उसकी एबिलिटी टू ऑपरेट विद इन द प्री स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक है। इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू ऑपरेट विद इन प्री स्पेसिफाइड, प्री स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक है, ऑपरेटिंग कंडीशन, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी किस चीज को शो करती है जल्दी बताओ, ठीक है, रिलायबिलिटी किसे शो करती है, एफिशिएंसी को, समझ रहे हो बात। मतलब अगर आपकी रिले अपना प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू से ऑपरेट हो रही है, अगर आपने सेट कर दिया कि रिले 5 एम्पियर पर ऑपरेट हो जाए, ठीक है, और रिले फॉल्ट होने पर, ठीक है, मान लीजिए आपका 5.1 आया फॉल्ट एम्पियर, ठीक है, फॉल्ट करंट आपका 5.1 एम्पियर आया, प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू से ज्यादा आया, रिले आपकी ऑपरेट कर गई, तो यानी आपकी रिले रिलायबल है, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, समझ के बात। चलिए ठीक है, नाउ कम टू द मेन पॉइंट्स, नेक्स्ट पार्ट है आपका सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। सर छोटा सा भी सेंस फॉल्ट हुआ तो रिले ने क्या काम करा, छोटा सा स्मॉल अमाउंट इन चेंज हुआ करंट में, फॉल्ट में, या देर विल बी स्मॉल चेंज इन करंट, ठीक है, प्रिस्क्राइब वैल्यू से जरा सा करंट का वैल्यू बढ़ा तो रिले ने उसे सेंस कर लिया, ठीक है, यानी एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड फॉर स्मॉल चेंजेस, एबिलिटी टू रेस्पॉन्स फॉर स्मॉल चेंजेस गाइस। तो ये वो क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका सेंसिटिविटी। तो माय डियर आप सभी को पता होगा पुराने टाइम में कैसी रिलेज यूज होती थी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की सेंसिटिविटी कितनी होती थी, ठीक है, याद रखें। लेकिन आजकल की जो सॉलिड स्टेट रिलेज आती हैं, जहां पर सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज करते हो आप, वो हाईली एक्यूरेट है एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। और आखिरी अपना एक पॉइंट जो इंजीनियर्स के साथ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ गाइस, सर इकोनॉमिकल होना चाहिए। देखो सारी क्वालिटी चाहिए इंजीनियर को, लेकिन इकोनॉमिकल होना चाहिए, समझ रहे बात। तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। अब बताओ यहां पर एग्जामिनर तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं रिले की, सेलेक्टिविटी, स्पीड, सिंप्लिसिटी, सेलेक्ट करें ऑप्शन। तो ये 6 के 6 पॉइंट आप अपने माइंड के अंदर याद रखोगे, बताओ याद रखोगे कि नहीं रखोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ गाइस। चले आगे, चलिए
आगे बढ़ते हैं माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट टर्न रिलेटेड विद रिलेस। देखो अभी तुम्हें थोड़ा सा थ्योरिटिकल लग रहा होगा, देखो सब्जेक्ट है ही ये थ्योरिटिकल, समझ रहे हो बात, तो थोड़ा सा सब्र कर लो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए आगे आने वाली है। चलो चलो चलो, नाउ कम टू द मेन पॉइंट्स गाइस। पिकअप लेवल, सबसे पहली डेफिनेशन होती है पिकअप लेवल। व्हाट इज पिकअप लेवल भाई? पिकअप लेवल क्या होता है सर? मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी अबव विच रिले ऑपरेट। ठीक है, मतलब क्या है मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी अबव विच रिले ऑपरेट। अब ये वाला पॉइंट जो आपको मैंने लिखवाया गाइस, आपको लगेगा पता नहीं क्या बताया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेनी टाइम दैट इन एग्जाम दैट वैल्यू हैज बीन आस्क्ड, तो ये मिनिमम वैल्यू होता है। बहुत बार बच्चे मैक्सिमम वैल्यू पे भी टिक कर देते हैं। ठीक है, तो आप पिकअप वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू पर ऑपरेट होगा। ठीक है, सर्किट वैल्यू, सर्किट ब्रेकर मैक्सिमम वैल्यू, रिलेस फॉर मिनिमम वैल्यू, टेक केयर ऑफ इट। नाउ कम टू द मेन पॉइंट्स। चलिए माय डियर, नाउ कम टू द मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट आएगा आपके लिए रीसेट वैल्यू। रीसेट, रीसेट लेवल भाई, रीसेट लेवल क्या होता है कोई बता सकता है? रीसेट लेवल भाई, रिले एक बार ऑन हो गई, उसके बाद रीसेट भी तो होगी, तो ये होगा वैल्यू बिलो विच। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, एक 5 एम्पियर, चलिए बाद में इस एग्जाम्पल को ले लेंगे, आप तो समझ ही जाओगे। अगर किसी रिले को आपने 5 एम्पियर पे सेट किया है, ठीक है, तो यानी ये उसका क्या हो गया? पिकअप लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, चलिए तो यहां पर वैल्यू बिलो विच रिले ओपन इट्स कॉन्टैक्ट, रिले ओपन इट्स कॉन्टैक्ट एंड कम्स टू नॉर्मल पोजिशन, नॉर्मल पोजिशन। क्लियर गाइस? नॉर्मल पोजिशन मतलब क्या हो गया? रीसेट का मतलब आ गया कि एक वैल्यू के नीचे आके रिले क्या होगी, अपने कॉन्टेक्ट्स को ओपन कर लेगी। यानी आपका सर्किट में जो ट्रिपिंग में कॉयल में करंट चल रहा था, यानी कल जो आपका करंट चल रहा था ये वाला आई करंट, तो आफ्टर दैट सर्टेन लेवल ऑफ वैल्यू दैट सर्किट विल बिकम ओपन। समझ गए बात? चलो आगे चलते हैं गाइस। ये हो गया रीसेट, है रीसेट वैल्यू। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा पिकअप टाइम, व्हाट शुड बी द पिकअप टाइम? पिकअप टाइम क्या होगा गाइस, जल्दी बताओ पिकअप टाइम क्या होगा? पिकअप टाइम आपका होगा टाइम बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ करंट रीच टू पिकअप लेवल, करंट रीच टू पिकअप लेवल टू इंस्टेंट ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट। मतलब वो समय जब करंट पिकअप लेवल पर पहुंचता है और सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट ओपन होने का समय का बीच का जो अंतराल है वो आपका क्या होगा? पिकअप टाइम होगा। समझ रहे हैं? यानी आपकी रिले क्लोज्ड हुई और सर्किट ब्रेकर जब तक ऑन हुआ, ठीक है, ओपन हुए उसके कॉन्टेक्ट, तब तक आपका क्या होगा ये पॉइंट? दैट कॉल्ड पिकअप टाइम। नाउ कम टू द रीसेट टाइम।
गाइस रीसेट टाइम क्या होगा, जल्दी बताओ रीसेट टाइम क्या होगा, कोई बता सकता है व्हाट शुड बी द रीसेट टाइम? टाइम बिटवीन द इंस्टेंट करंट रीचेस, करंट रीचेस टू रीसेट लेवल, बस ये थ्योरेटिकल पार्ट जल्दी खत्म होने वाला, ठीक है, रीसेट टू द इंस्टेंट ऑफ सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट रिक्लोज्ड, ठीक है, मतलब आपका वैल्यू करंट का कम जाना और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट दोबारा से बंद होना, उस दौरान वो जो ड्यूरेशन होगा वो होगा आपका रीसेट टाइम। चलिए गाइस नाउ कम टू द मेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन रीच, किसी भी रिले के लिए रीच क्या होती है, व्हाट इज रीच गाइस? ठीक है, देखो रिले रीच क्या होता है कि डिस्टेंस अप टू विच रिले ऑपरेट, कितनी दूरी तक यानी कितने जोन तक आपकी रिले काम कर रही है या किस जोन के अंदर काम कर रही है वो होगा आपका रीच, समझ गए बात? यस यस इट्स एन प्रोटेक्टिंग जोन, बहुत अच्छे। लेकिन माय डियर ये किस चीज से रिलेटेड होती है? इट इज रिलेटेड विद लाइन प्रोटेक्शन, इट इज रिलेटेड विद लाइन प्रोटेक्शन। अब इसके अंदर दो टर्म आएंगे, ओवर रीच एंड अंडर रीच। इन दोनों पॉइंट्स को, हालांकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अपने जोन से ज्यादा में जाएगा तो ओवर रीच, अपने जोन से कम है तो अंडर रीच, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा माई डियर डिस्टेंस रिले, तो ये वाला पार्ट जो है वहां पर आएगा, तब मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये इतना इजी नहीं है कि ओवर रीच आपने बोल दिया कि अपने जोन से ज्यादा में जा रही है रिले तो ओवर रीच, अपने जोन के अंदर है तो अंडर रीच, लेकिन जब अपन डिस्टेंस रिलेज पढ़ेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस चलिए टाइम सेटिंग। भाई टाइम सेटिंग से क्या मतलब है? टाइम सेटिंग से मतलब हो गया सेट ऑफ टाइम फॉर विच रिले ऑपरेट, रिले ऑपरेट्स। क्या हो गया गाइज, आज काफी कम बच्चे हैं, ऐसा क्या हो गया? चलिए सेट ऑफ टाइम फॉर विच रिले ऑपरेट्स, गॉट द पॉइंट? टाइम सेटिंग यानी यहां पर ये जो सेट ऑफ टाइम है ये एक तरीके से क्या है, पिकअप वैल्यू को सेट कर रहे हैं आप, समझ गए बात? इसी तरीके से करंट सेटिंग होता है, ठीक है, रिले को एक पर्टिकुलर करंट सेटिंग के लिए आप ऑपरेट करेंगे, ठीक है। यस 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 भाई देखो रिले क्या है, हर एक जोन के लिए, मान लो टाइम सेटिंग का जरूरत क्यों पड़ा भाई, आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन है, प्राइमरी प्रोटेक्शन है गाइस, और एक बैकअप प्रोटेक्शन है ना, बैकअप प्रोटेक्शन है। तो माय डियर अगर मान लो प्राइमरी वाला कुछ समय के लिए काम नहीं कर पाता, मान लो 2 सेकंड के अंदर ये ऑपरेट नहीं होता तो 2 सेकंड के बाद बैकअप को ऑपरेट होना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो टाइम सेटिंग्स की इसलिए जरूरत पड़ती है। टाइम ग्रेडिंग, करंट ग्रेडिंग आगे आएंगे, इसके लिए आप बेफिक्र रहो, बहुत डिटेल में बताऊंगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं, फिर यहां पर एक और आएगा आपका करंट सेटिंग। गाइस करंट सेटिंग क्या होगा, करंट सेटिंग क्या होगा जल्दी बताओ, सेट ऑफ
सेट वैल्यू ऑफ करंट फॉर विच रिले ऑपरेट्स, ठीक है, रिले ऑपरेट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये डेफिनेशन जरूर याद रखें। चलते हैं आगे। अब गाइस आपसे बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लासिफिकेशंस ऑफ रिले। यहां से आपका ओरिजिनल चैप्टर स्टार्ट है गाइस, ठीक है। देखो, एज पर लोकेशन दूसरा, एज पर टाइम ऑफ ऑपरेशन, नहीं डियर अभी मेरे मशीन के लेक्चर नहीं हुए, ठीक है, एज पर एप्लीकेशन, एज पर कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर इतनी मैं आपसे बात करूंगा कि एज पर लोकेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर एप्लीकेशन की ओवर करंट रिले है, डिस्टेंस रिले है, डिफरेंशियल रिले है, बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, इंडक्शन वाला है, ठीक है, आर्मेचर अट्रैक्टेड है, एक एक पार्ट को अपन कंस्ट्रक्शन में स्टडी करेंगे। तो अब आप कोई भी वीडियो मत छोड़ना, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी नहीं चल रही है, आज या कल में उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। चलिए, सो गाइस सबसे पहला टॉपिक लेंगे एज पर लोकेशन। देखो एज पर लोकेशन का क्या मतलब, ठीक है, एज पर लोकेशन का मतलब क्या है? देखो गाइस एक बात बताओ, हर एक पार्ट की मान लो कोई भी लोड है तो उस लोड के साथ अपनी क्या लगी हुई है, एक रिले लगी हुई है। मान लो ये पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड है, सब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। हर एक लोड के साथ अपनी अपनी रिले लगी हुई। अब हुआ क्या, आपका जो जोन है, जिस जोन के अंदर ये रिलेज लगी हुई है, उस जोन के अंदर होता है फॉल्ट, तो क्या होगा? सबसे पहले मान लीजिए ये प्राइमरी रिले, इसे अपन कर देते हैं प्राइमरी रिले, ठीक है, जिसे हमने बोला कि भाई ये प्राइमरी रिले। तो प्राइमरी रिले का सबसे पहला काम क्या होता है? प्राइमरी रिले का काम होता है अपने जोन के फॉल्ट को सबसे पहले क्या करना, रिमूव करना। भाई यहां पर इस जोन के लिए जो रिले सेट है वो कौन सी है, वो ये वाली है, और इसी को हमने क्या बोला, प्राइमरी रिले। अब फॉल्ट हुआ इस जोन के अंदर तो ये वाली रिले ऑपरेट करेगी, अगर ये ऑपरेट कर गई तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ऑपरेट नहीं कर पाई, अगर मान लो एक पॉइंट को समझो कि ये क्या हो गया, ये मेल फंक्शनिंग हो गई, देयर विल बी ए मेल फंक्शनिंग, इस वाली रिले के अंदर क्या हो गया, मेल फंक्शनिंग हो गया, ये काम नहीं कर पाई किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से, मेल ऑपरेशन, इफ देयर विल बी एन मेल ऑपरेशन देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन गाइस, देन व्हाट विल बी हैपन, तो ये वाली जो रिले होगी, सेकेंड जोन वाली जो रिले होगी माय डियर, ये वाली रिले क्या होगी, दैट रिले हैज बीन ऑपरेट। क्यों? क्योंकि ये कौन सी रिले है, बैकअप प्रोटेक्शन। यस 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 राजन, वेरी गुड सर, ये बैकअप प्रोटेक्शन है। पहले तो प्राइमरी जो रिले सबसे पहले ऑपरेट हो रही है वो तो प्राइमरी रिले, मान लो नहीं हो पाई किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से, मेल ऑपरेशन हो गया, तो माय डियर बैकअप रिले ने ऑपरेट कर दिया। बट माय पॉइंट इज दैट, ठीक है, माय पॉइंट इज दैट अगर बैकअप रिले ना हो, ठीक है, इफ ओनली प्राइमरी रिले इज प्रेजेंट, ठीक है, फॉर डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट,
डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट, तो बच्चे इसे क्या कहोगे आप सभी, जल्दी बताओ। इस वाली प्रोटेक्शन को आप बोलोगे यूनिट प्रोटेक्शन, क्या बोलोगे, यूनिट प्रोटेक्शन कहेंगे सर। और ये वाली यूनिट प्रोटेक्शन का एप्लीकेशन कहां पर होता है जल्दी बताओ, ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। अगर प्राइमरी रिले, सर इट इज द यूनिट प्रोटेक्शन, लेकिन 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 अगर प्राइमरी रिले भी है प्लस बैकअप प्रोटेक्शन भी है, तो बच्चे आप इसे क्या बोलोगे, प्राइमरी रिले और बैकअप प्रोटेक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं माय डियर नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। और बच्चे नॉन यूनिट प्रोटेक्शन का यूज कहां पर करते हैं, यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन, यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन, क्लियर, बहुत अच्छे राजन, ऑल दैट पॉइंट हैव बीन क्लियर टू यू, ऑल द पॉइंट हैव बीन क्लियर टू यू, जल्दी बताओ, गुड गुड गुड, ऑल द पॉइंट हैव बीन क्लियर टू यू गाइस। चलिए चलिए चलिए, आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखो गाइस, तो पहला अपन ने एज पर लोकेशन अपन ने क्या कर लिया, काम कर लिया, ठीक है। एज पर लोकेशन मतलब अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो सर आप यूनिट प्रोटेक्शन कर रहे हो, प्राइमरी प्लस बैकअप ले रहे हो तो आप यानी कोई लंबे प्रोटेक्टेड एरिया को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं तो नॉन यूनिट प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। यस, दैट्स वाई इट इज यूनिट, यूनिट मतलब एक मतलब प्राइमरी प्रोटेक्शन, सिर्फ एक अकेले, ठीक है। चलिए आगे चलो, सेकंड पॉइंट, सेकंड है बहुत इंपॉर्टेंट, एज पर टाइम ऑफ ऑपरेशन, एज पर टाइम ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहली जो आएगी आपके लिए वो आएगी डेफिनेट टाइम रिले, ठीक है, डेफिनेट टाइम रिलेज। कहां पर बैकअप नहीं करते भाई, माय डियर, बैकअप क्यों नहीं करते गोकू, मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब मैं आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा बैकअप क्यों नहीं करते। क्योंकि माय डियर, जब आप स्पेस के लिए बात करते हैं, काफी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बात करते हैं, तब आपको बैकअप रखना पड़ता है। अदरवाइज जब आप स्मॉल एरिया, यानी आपको ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग हो गई, अल्टरनेटर की वाइंडिंग हो गई, स्मॉल एरिया स्मॉल लेंथ के लिए काम लेना है तो आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए सबसे पहले आएगी डेफिनेट टाइम रिले। देखो गाइस, टाइम ऑफ ऑपरेशन मतलब एक पर्टिकुलर समय पर अगर रिले काम करेगी तभी, तो यहां पर डेफिनेट टाइम रिले का मतलब क्या हो गया, रिले ऑपरेट इन ऑलमोस्ट फिक्स टाइम does not depend on fault current। Guys, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ, यहां पर जो ऑपरेशन होगा, माय डियर,
जो ऑपरेशन यहां पर होगा वो क्या होगा, वो एक फिक्स टाइम पर होगा, फिर चाहे फॉल्ट करंट कितना हो, चाहे आपका फॉल्ट करंट 1 एम्पियर आए, चाहे आपका फॉल्ट करंट 1000 एम्पियर आए। ये जो रिले है, अगर इस रिले को आपने डिजाइन कर दिया 1 सेकंड के लिए ऑपरेट होने के लिए, तो बच्चे फिर ये 1 सेकंड पे ही ऑपरेट होगी। इस तरीके की जितनी रिले होती हैं, उन्हें आप डेफिनेट टाइम रिले कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर ये जो डेफिनेट टाइम है अपन लोग कैसे अचीव करते हैं रिले में, हाउ डेफिनेट टाइम जो होता है हम कैसे अचीव करते हैं, ठीक है। By कोर सेचुरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये क्वेश्चन काफी बार अच्छे लेवल एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो गाइस, साफ सीधी बात है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है ना। तो यहां पर अगर आप क्या कर दें, मैग्नेटिक फ्लक्स को कॉन्स्टेंट कर दें, तो यहां पर जो टॉर्क होगा वो भी तभी ऑपरेट होगा जब सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट आएगा। तो यहां पर ये जो टाइम होगा, टाइम यहां पर क्या मिलेगा आपको, फिक्स मिलेगा, ठीक है। टाइम मस्ट बी फिक्स्ड, ठीक है। तो वो कैसे अचीव करोगे, टाइम फिक्स कैसे मिलेगा, कोर के अंदर सेचुरेशन करके, ठीक है, कोर के अंदर सेचुरेशन करके, गॉट इट। चले आगे, नाउ नेक्स्ट रिले है माय डियर, इंस्टेंटेनियस रिले। इंस्टेंटेनियस रिले का मतलब क्या हो गया, तत्कालिक। इंस्टेंटेनियस मतलब एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट, जैसे ही फॉल्ट हुआ रिले तुरंत एक्चुएट हो गए। जैसे ही फॉल्ट होगा रिले क्या होगी, एकदम से एक्चुएट हो जाएगी। इसका टाइम कोई बता सकता है मुझे, एट द इंस्टेंट ऑफ ऑक्रेंस ऑफ फॉल्ट, ठीक है, ऑक्रेंस ऑफ फॉल्ट टाइम, ऑक्रेंस ऑफ फॉल्ट टाइम ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, फॉल्ट, ठीक है, फॉल्ट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, टाइम ऑफ ऑपरेशन जो होगा इसका, टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या होगा गाइस, 0.1 सेकंड, ठीक है, 0.1 सेकंड, टेक केयर ऑफ इट। इंस्टेंटेनियस रिले मतलब क्या है कि रिले स्टार्ट होगी एट द इंस्टेंट ऑफ ऑक्रेंस ऑफ फॉल्ट, मतलब जैसे ही फॉल्ट हुआ विदाउट एनी डिले रिले विल ऑपरेटेड। नाउ कम टू द मेन पॉइंट्स, इनवर्स टाइम चलो गाइस बताओ जल्दी, इनवर्स टाइम रिले के बारे में। इनवर्स टाइम रिले का मतलब क्या है, कल ही मैंने फ्यूज में एक बार बताया था। ऑपरेटिंग टाइम यहां पर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। एज द करंट वैल्यू इज हाई ऑपरेटिंग टाइम इज लो एंड वाइस वर्सा, देन द वैल्यू ऑफ करंट इज लो देन द ऑपरेटिंग टाइम इज हाई। समझने बात क्लियर, तो यानी अगर आपका हाई लेवल ऑफ फॉल्ट करंट है, इफ द फॉल्ट करंट इज हाई सो देयर इज ए स्मॉल टाइम ऑफ ऑपरेशन, स्मॉल टाइम ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, फॉल्ट करंट इज हाई देन द स्मॉल टाइम ऑफ ऑपरेशन इज ओवर देयर। क्लियर, यानी आप बहुत लंबे टाइम तक यहां पर फॉल्ट को सस्टेन नहीं होने देना चाहते।
ठीक है गाइज, अगर आप सबकी परमिशन हो तो क्यों ना एक काम किया जाए। देखो सब्जेक्ट थोड़ा थ्योरिटिकल है, थोड़ी सी बात कर लेता हूं और आप सभी बच्चे मेरे को बताना। अगर मैं नोट्स पहले से कुछ लिख कर ले आऊं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, जल्दी बताओ। अगर आप सब बोलो तो, या मेरे को बार मतलब या मैं ऐसे ही लिखवा कर करूं, जल्दी बताओ। है ना, ये ज्यादा बेटर है। चलो ठीक ठीक ठीक, तो यहां पर कुछ बच्चों ने बता दिया है ना। नोट्स में लिख कर ले आता हूं। नहीं यार, ऐसे करने में क्या होता है ना, आप सबका इंटरेस्ट तो टूटता है, ठीक है, वो एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं रहता शायद। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डियर। तो अपन लोग यही करते हैं। आप देखो यहां पर गाइस, ये रिलेशनशिप आप याद रखोगे, बराबर के, ठीक है। ये रिलेशनशिप देखो गाइस क्या बताता है, ये टाइम और करंट का रिलेशनशिप तो कांस्टेंट है लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर n का वैल्यू 2 है, देन इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर मैं आपसे कहता हूं n का वैल्यू 3 है तो ये और ज्यादा कर्व ऐसे करके आएगा, और मैंने कहा n का वैल्यू अगर 4 है तो ये वैल्यू और ऐसे करके आएगा, समझ रहे हो बात। तो यानी ये वैल्यू n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, इन सबका अपना अपना मतलब है, प्लीज इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है। इसे कहते हैं माय डियर इनवर्स रिले, इसे कहते हैं आपका वेरी इनवर्स रिले, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सट्रीम इनवर्स रिले। ठीक है, तो आप खुद देखो यहां पर ये रहा अपना करंट, ये रहा अपना टाइम। सो माय डियर, एज द वैल्यू ऑफ करंट हैज बीन इंक्रीज्ड, द वैल्यू ऑफ टाइम इज गोइंग टू बी डिक्रीज। बताओ, खुद ही देखो, खुद ही देखे आप, यहां पर करंट का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट का ऑपरेटिंग टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। चलो अब एग्जामिनर आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछेगा कि इनवर्स टाइम रिले का एप्लीकेशन कहां पर, कौन बताने वाला है इनवर्स टाइम रिले को कहां पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, कहां पर एप्लीकेशन है, फीडर एंड ट्रांसफॉर्म। प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ इट बच्चे। n की लिमिट यहां पर मैक्स टू मैक्स 4 है, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा है, 4 तक ज्यादा जा सकती है, ठीक है, कहीं पर 3.5 भी है। तो आपको वैल्यू जो मिलेगा वो ऐसा मिलना चाहिए 2 से 4 के बीच तक वेरी करता हूं, समझ गए। तो ये वैल्यू प्लीज आप याद रखिए, ठीक है। तो यहां पर आपको फीडर और ट्रांसफॉर्मर के लिए इनवर्स टाइम रिले की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इनवर्स टाइम रिले हैज बीन यूज्ड इन फीडर एंड ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आप गाइस सबसे इंपॉर्टेंट आएगा IDMT। आप एग्जाम के अंदर सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम रिले, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। इसके अंदर क्या है, तो गाइज आप देख रहे हो इस रिले के अंदर
डेफिनेट टाइम का भी कॉम्बिनेशन है प्लस डेफिनेट टाइम प्लस इनवर्स टाइम, है ना। दोनों पार्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। मतलब क्या है सर बच्चे, इसका ग्राफ से आप समझो सभी। देखो इसके अंदर होगा क्या, देखो एक सर्टेन पिकअप वैल्यू तक तो रिले ऑपरेट नहीं होगा भाई, ये रहा पिकअप वैल्यू। बट ये है कर्व माय डियर। अगर आपका करंट का वैल्यू लो है, अगर आपका करंट का वैल्यू लो है यहां पर है, तो यहां पर ये जो ऑपरेट होगा इट विल टेक लार्ज टाइम फॉर द ऑपरेशन, है ना। यहां पर टाइम क्या लगेगा आपका, बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन 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 इफ देयर विल बी हाई अमाउंट ऑफ करंट, यहां पर मान लीजिए हाई है आपका करंट, तो यहां पर जो टाइम मिलेगा आपको लेस टाइम, टाइम यहां पर आपको कम मिलेगा, यहां करंट ज्यादा मिले टाइम ज्यादा मिलेगा, तो यहां पर आपको मिलेगा डेफिनेट ऑपरेटिंग, डेफिनेट टाइम ऑपरेशन। और यहां पर क्या मिलेगा आपको, इनवर्स टाइम, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिलेगा, इनवर्स टाइमिंग मिलेगी। सो माय डियर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर अगर वैल्यू लो होगा और वैल्यू हाई होगा तो अपन लोग ये वैल्यू कैसे सेट करेंगे, जल्दी बताओ भाई। रिले को कैसे पता चलेगा, हाउ द रिले हैज बीन, रिले को कैसे पता चलेगा कि यहां पर ये जो फॉल्ट करंट है इट विल लो इट विल हाई, हाउ। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पीएसएम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ठीक है, प्लग सेटम सेटिंग मल्टीप्लायर हैज बीन यूज ओवर देयर। क्लियर गाइस। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका एप्लीकेशन अगर पूछूं मैं आपसे, इस वाली रिले का एप्लीकेशन कहां पर है माय डियर, पावर ट्रांसफॉर्मर के अंदर। कहां पर है, पावर ट्रांसफॉर्मर। अभी इसे भी डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, पावर ट्रांसफॉर्मर। वो भी किस लिए सर जी, इट विल बी एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट, ठीक है, और ओवरलोड कंडीशन के लिए। प्लीज टेक केयर ऑफ इट। जो आईडीएमटी होती है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसके अंदर कौन कौन सी दो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी, डेफिनेट टाइम इनवर्स टाइम। सर जी इसके अंदर ये सेटिंग कैसे की जाएगी, पीएसएम की मदद से करी जाएगी। इसका एप्लीकेशन कहां पर है, पावर ट्रांसफॉर्मर में और एक्सटर्नल, जब पावर ट्रांसफॉर्मर में एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो, ठीक है गाइस, टेक केयर ऑफ इट। तो अगर हाई वैल्यू है तो यहां पर क्या होगा, डेफिनेट टाइम, लो वैल्यू है तो देन इट विल बी इनवर्स टाइम। तो गाइस डिस्कस करते हैं पीएसएम को, नाउ डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पीएसएम क्या होता है भाई, पहले तो फुल फॉर्म याद रखो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी सबसे इसका, चलो यहीं से देखते हैं, पीएसएम इज द रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल वेरी गुड रिले कॉइल फॉल्ट करंट डिवाइड बाय पिकअप करंट, और पिकअप करंट क्या होता है माय डियर, पिकअप करंट क्या होता है, व्हाट इज पिकअप करंट, पिकअप करंट सर होता है रेटेड सीटी
सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाई बाय करंट सेटिंग, मल्टीप्लाई बाय करंट सेटिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे गाइस, मल्टीप्लाई बाय करंट सेटिंग, मल्टीप्लाई बाय करंट सेटिंग। चलो गाइस कम टू द मेन पॉइंट्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सारे बच्चे पीएसएम का वैल्यू निकाल के बताना। दूसरी बात, चलो उससे पहले भी इंपॉर्टेंट बात है, चलो इसे बाद में देख लेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, एक सिटी दे रहा हूं मैं आपको जिसका रेशियो करंट रेशियो 1 एम्पियर, समझ के बात, और आपको करंट सेटिंग दी गई है 150%, और मैंने आपको बोला है सिटी का जो प्राइमरी साइड है, ठीक है, प्राइमरी साइड ऑफ करंट वो 1000 है, 1000 एम्पियर, ठीक है, सीटी का जो लाइन है उसके अंदर जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो माय डियर पीएसएम का वैल्यू फाइंड कर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएसएम, जल्दी बताए। अब देखो पीएसएम की जरूरत क्यों पड़ी वो भी बताऊंगा। देखो एक बात बताओ सारे के सारे, एक बात बताऊं भाई, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो करंट आ रहा होगा वो आपका कितना आ रहा है, वो आपका कितना आ रहा है, 1000 एम्पियर ड्यूरिंग द फॉल्ट, ठीक है। तो ये जो 1000 एम्पियर है ये डायरेक्ट रिले में थोड़ी जाएगा भाई, ये तो चेंज होके जाएगा ना सीटी के रेशियो से, मानते हो कि नहीं भाई। यहां पर सीटी के रेशियो के अकॉर्डिंग ही तो रिले की साइड किससे कनेक्टेड है, सर जी सेकेंडरी साइड से भाई, ये सिटी का प्राइमरी साइड है, ये सिटी का सेकेंडरी साइड है, तो यहां पर रिले जो कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है, रिले कनेक्ट है सेकेंडरी साइड से। सो दैट्स व्हाई माय डियर आपको पीएसएम की जरूरत पड़ी। ओरिजिनली कितना आ रहा है करंट, करंट तो सर 1000 एम्पियर आ रहा है, लेकिन जो यहां पर करंट आएगा ट्रिप कराने के लिए कॉयल के लिए, ठीक है, वो अपन को क्या करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा। तो सभी बच्चों ने सही निकाला है यहां पर आंसर, वेरी गुड। देखो गाइस सबसे पहले क्या करें, फॉल्ट करंट निकाल ले, फॉल्ट करंट कितना होगा सर, 1000 1/200 कितना हो गया गाइस सर, 5 एम्पियर, ठीक है। और आपका पिकअप कितना हो जाएगा, पिकअप कितना होगा माय डियर, सर जी 1 मल्टीप्लाई बाय 150 1.5 1.5, सो द पीएसएम वैल्यू विल बिकम, सो दैट पीएसएम कितना होगा सर, पीएसएम हमारा 5 डिवाइड बाय 1.5 इक्वल्स टू 50 बाय 15 विच इज इक्वल्स टू 10 बाय 3 और 3.333, समझ गए बात। तो आप सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही निकाला एकदम परफेक्टली। तो इस पीएसएम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दैट पीएसएम वैल्यू, अपन लोग क्या सेट कर सकते हैं, टाइम, ठीक है, आईडीएमटी का टाइम। तो पीएसएम आपको क्लियर हो गया, ठीक है, पीएसएम आपको क्लियर, बच्चे 7.5 कैसे आया, कहां पर गलती करी तुमने, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू आपको याद रखनी, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है गाइस, डायरेक्ट वैल्यू भी दे देता है फॉल्ट करंट की, डायरेक्ट वैल्यू भी दे देगा आपको फॉल्ट करंट की,
वो नहीं निकलवाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज टेक केयर ऑफ इट, ये एग्जाम में आता है, ठीक है गाइस। क्लियर? चलिए, अगर पीएसएम का वैल्यू चेंज करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के लिए, जल्दी बताओ क्या करेंगे इसके लिए, दिमाग लगा के बताओ सभी के सभी। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है और मुझे पीएसएम का वैल्यू चेंज करना है, तो पीएसएम एक्चुअली कर क्या रहा है भाई? एक वो एक्चुएटिंग क्वांटिटी और फोर्स जनरेट कर रहा है जिससे रिले सर्किट को ट्रिप करेगी। हाँ, आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, वेरी गुड पिकअप। यहां पर क्या किया इन्होंने, इन्होंने सीधा बोला कि सर हम पिकअप वैल्यू को करंट बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन माय डियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप एम्पियर टर्न चेंज कर दो, यानी एन आई, ठीक है। यस यस एमएमएफ, इफ यू विल चेंज द वैल्यू ऑफ एमएमएफ तो पीएसएम का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले दिखाऊंगा तो उसमें कॉइल से आप समझ जाओगे, समझ के बाद प्लीज टेक केयर ऑफ इट। चलो गाइस, आज के टॉपिक में जितना बताया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली आस्क मी। ठीक है गाइस, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। बच्चे प्लस पर तो मेरा नेटवर्क चल रहा है प्रेजेंट टाइम, इट विल ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। देखो प्लस पर क्या होता है माय डियर, बहुत पहले कंप्लीट करा चुका हूं मैं, जो अभी आपका पार्ट चल रहा है आई विल कंप्लीटेड इन जुलाई। अच्छा, कोर का सेचुरेशन बताते, देखो बच्चे कोर का सेचुरेशन सुनो। हाँ बच्चे, यूईटी करा चुका हूं अगस्त में मैं प्लस पर। देखो मैं तीन सब्जेक्ट आपके बड़े बड़े निपटा चुका हूं, पावर सिस्टम, यूईटी और आपका नेटवर्क, नेटवर्क पार्ट फर्स्ट हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। चलिए अब बात बताते हैं अपन, ओमकार ने पूछा हमसे, ओमकार ने पूछा सर यहां पर आपने कोर सेचुरेशन कैसे लिख दिया। माय डियर एक बात बताओ, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है माय डियर? रिलेस का, रिलेस का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है माय डियर वो क्या होता है, फ्लक्स पर डिपेंड करता है। अगर आपने इसे सेचुरेट कर दिया तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। जब ये वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गया तो रिले पर, रिले की जो डिस्क है उस पर लगने वाला टॉर्क, उसका वैल्यू भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। यानी अब आप करंट का कितना भी वैल्यू आए, करंट की आपकी कई हजार गुना वैल्यू आ जाए, अब आपका टॉर्क फिक्स ही लगेगा, इट डजंट केयर। तो रिले क्या होगी, एक डेफिनेट टाइम के साथ मूव करेगी। नहीं बच्चे, सभी के लिए बच्चे YouTube पर मैं खत्म करा चुका हूं पावर सिस्टम। देखो YouTube पे मैं क्या क्या खत्म करा चुका हूं सुन लो सभी ध्यान से। देखो पावर सिस्टम खत्म हो गया है, पावर सिस्टम का जनरेटिंग पार्ट खत्म करा दिया आपका, ट्रांसमिशन खत्म करा दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करा दिया, एसजीपी जा रहा है। देखो गाइज मैं कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ आप इस सेशन को गाइज शेयर करा करो, शेयर करा करो एक बार, ठीक है। तो आप जनरेशन मेरा देख लो, आपको कहीं से कहीं ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी,
ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सफिशियंट है आपके लिए, एसजीपी जा रहा है, और यूईटी तो मैं सेटअप करके बहुत पहले ही खत्म करा चुका हूं। तो मेरी तरफ से आपके दो सब्जेक्ट पूरे कंप्लीटेड है, ठीक है। आपको मैं लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड का पीडीएफ दे चुका हूं, ग्रुप में ले लेना आप, आन अकेडमी एसएससी जेई पर, समझ गए बात। आन अकेडमी बच्चे नेटवर्क के पीडीएफ ऐसे नहीं मिलते, वो दिस इज फॉर प्लस स्टूडेंट। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको लगता है राहुल सर आपके डाउट लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, तो आन अकेडमी पे आप मेरे साथ आकर कनेक्ट हो सकते हो, राहुल 11 कोड यूज करके अपना मेंटर मुझे बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज या कल में अनाउंसमेंट हो जाएगी मॉक टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट आने वाला है मेरी तरफ से। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, टाइमिंग होगी 4 से 5, सुनो मेरी बात, 4 से 5, 6 से 7, तो 4 से 5 चलेगा मॉक टेस्ट। भैया मैं करवा चुका हूं यूटिलाइजेशन, आप क्रिएटिक्स चैनल पर चले जाओ, वहां पर मैं बहुत ऊंचे लेवल पे खत्म करा चुका हूं यूटिलाइजेशन, ठीक है। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक बार देख लेना खुद ही, बता रहा हूं मैं आपको। और 6 से 7 एसजीपी चलेगा, ठीक है। तो कनेक्टेड रहना मेरे साथ, आपको बहुत सारे सेशन मिलने वाले। भैया अनअकैडमी एसएससी जेई पर क्रिएट्रिक्स चैनल भी हमारा ही अपना चैनल है, ठीक है, वहां जाकर देख लो, पीडीएफ भी है, नोशन भी है, सब कुछ बने हुए हैं, जाके वहां से पढ़ लो, ठीक है। बच्चे इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी मजबूरी है, ठीक है ना। तो मेरा जो मॉक टेस्ट रहेगा 4 to 5 रहेगा, जैसे ही एसजीपी खत्म होगा, सुन लो मैं बता देता हूं जया, ये जो एसजीपी जैसे ही खत्म होगा ये तुरंत मैं यहां पर ले आऊंगा इसे, ठीक है। एसजीपी आपका लगभग 10th of October तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, 10th of October तक खत्म हो जाएगा, तो मैं फिर 6 से 7 आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय। 1 महीना है एग्जाम में, लग जाओ, तोड़ डालो एग्जाम को, बाय। मॉक टेस्ट फ्री है, यूट्यूब पे कराऊंगा। हाँ बच्चे ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे आपको, बेफिक्र रहो।